तो ये हमारा बिल्कुल पहली प्राथमिकता ये भी रहेगी। उसके साथ हमारी काफी समय से एक समस्या रही जिसको हम कुछ हद तक बनाने में और कार्य करवाने में कामयाब रहे कि हमारा जो सड़क है वो कंपनी के गेट से लेकर के अल्ट्राटेक के गेट से लेकर के और उसके जितने भी निर्णय लिए गए थे उनको हम अपनी सभा में इम्प्लीमेंट करेंगे। हो सकता है कि हमारे कुछ बंधुओं को बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जन भावना को देखते हुए और जो ट्रांसपोर्टर्स हमारे सभा के हैं उनकी जो भावनाएं थी उनका बिल्कुल आदर किया जाएगा और जो भी हमारे साधारण अधिवेशन के अंदर निर्णय लिए गए हैं उनके ऊपर पहली कार्यवाही तुरंत 2 तारीख को हमारी मैनेजमेंट का चुनाव हो जाएगा और जैसे ही चुनाव होगा तुरंत 1 महीने के अंदर हम लोगों को उसके रिजल्ट दे देंगे, ऐसा मैं विश्वास दिला सकता हूं। और आज सिर्फ हम इतनी ही चर्चा कर विश्वास करना चाहता हूं कि सिर्फ हमने इस इलेक्शन को, क्योंकि देखिए लोकतांत्रिक सिस्टम में इलेक्शन एक महत्वपूर्ण विषय है कि हर 5 वर्ष के अंदर इलेक्शन होना स्वाभाविक होता है और उसके लिए जो भी हमारे साथियों ने हमारे विरुद्ध इलेक्शन लड़ा था बिल्कुल भी किसी भी साथी के साथ या उनके सपोर्टर के साथ कभी भी बदले की कार्यवाही नहीं की जाएगी। सभा खारसी का जो इलेक्शन था वो संपन्न हुआ है और उसमें हमें भारी बहुमत जो था वो लोगों द्वारा दिया गया और मैं इसको बहुमत नहीं, मैं बहुत बड़ी जिम्मेवारी इसको मानता हूँ। और अब हमारा विधिवत जो गठन है वो 2 तारीख को होगा और 2 तारीख के बाद जो भी हमारे पिछले जनरल हाउस में निर्णय लिए गए थे जिनको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि उन सभी तमाम फैसलों को जो जनता द्वारा जो हमारे साधारण अधिवेशन ने तय किए थे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ में ये भी हम विश्वास दिलाते हैं कि हम बदले की भावना से किसी से भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे। आज हमारी जो चुनी हुई प्रबंधक कमेटी है वो तमाम सभा के सभी सदस्यों की चुनी हुई प्रबंधक कमेटी है और हम पूरी लगन और ईमानदारी के साथ जितना भी कोशिश होगी उससे बढ़ करके हर लोगों के हकों की रक्षा करेंगे, कंपनी से बेहतर ताल्लुकात स्थापित करेंगे ताकि हमारा जो कारोबार है और ज्यादा बढ़े। धन्यवाद।